राजस्थान के सिरोही में पानी पूरी खाने से करीब 40 लोगों की तबीयत बिगड़ गई, सरकारी अस्पताल में दाखिल कराए गए। फिरोजपुर में कुएं से ईंट निकाल रहा मजदूर मिट्टी ढहने से दबा, दबे हुए मजदूर को निकालने पहुंचे चार मजदूर भी मिट्टी में दबे। हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई, रेस्क्यू कर दो मजदूरों को बचा लिया गया। अमेठी के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से घायल हुए युवक की मौत, पुलिस वाले घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय तमाशबीन बने रहे। उन्नाव गैंगरेप केस में कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने दो दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा, रविवार सुबह 10 बजे से 20 से 22 मई तक रिमांड। पीड़ित के पिता की मौत मामले में सीबीआई करेगी पूछताछ। यूपी के देवरिया में अवैध संबंधों के कारण युवक की हत्या, टुकड़े टुकड़े कर नदी में बहाया था शव, खेत में गिरे सिर के कंकाल से हुई पहचान। यूपी के हरदोई में 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश, पुलिस का आरोपी को बचाने का आरोप, एसएसपी के आदेश पर एफआईआर दर्ज। रमजान के पवित्र महीने में अहमदाबाद की मस्जिद में एसी लगाया गया, नमाजियों की सहूलियत के लिए किया गया है इंतजाम। सिलीगुड़ी के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के आई खुशबू, एक बागी ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। हिमाचल प्रदेश के गगल में एक रिटायर्ड फौजी ने किया कमाल, छोटे से जमीन के टुकड़े में लगाई सेब की कई किस्म। एमपी के मंदसौर में किडनैप कर नाबालिग से गैंगरेप, गंभीर हालत में पीड़ित अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को पकड़ा, बाकी आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है पुलिस। राजस्थान के अलवर में एसीबी ने रिश्वत लेते पुलिस के हेड कांस्टेबल को रंगे हाथ पकड़ा, आरोपी एक केस में रिश्वत ले रहा था।